अपनी जनता को। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि हमारे महान जनता जो ग्राम पंचायत काजी भरा के हैं, हमको इस पद पर सुशोभित करते हैं। और मैं अपनी ओर से यह कहना चाहता हूँ, मैं मुखिया पद के लिए नहीं पर्चा भरा हूँ, एक सेवक के रूप में ग्राम पंचायत काजी भरा के सेवक के रूप में अपना पर्चा भरा हूँ और सेवा करते आया हूँ। और निरंतर सेवा और पंचायत की व्यवस्था के लिए मैं किसी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहूँगा। स्वागत है पक्की खबर बिहार में। पक्की खबर सच है तो खबर है, ऐसे में एक सच मैं दिखाना चाह रहा हूँ जाले प्रखंड प्रांगण से। प्रखंड प्रांगण का ये मुख्य द्वार है, मुख्य एरिया है। और ऐसे में हमारे साथ मौजूद है जीत का हैट्रिक लगा चुके काजी बहरा पंचायत के मुखिया, और मुखिया जी स्वयं हमारे साथ है और इस बार जीत का चौका लगाने की उम्मीद से नॉमिनेशन करवा चुके हैं। अब सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे, फिर उसके बाद आपसे इनसे सीधी बातचीत आपके सामने करेंगे। बधाई देते हैं। क्या सुनना है? मेरा नाम महेश प्रसाद, ग्राम पंचायत काजी बहरा। सर, आप ग्राम पंचायत काजी बहरा से 3 बार जो है जीत चुके हैं, 15 वर्ष का आपका कार्यकाल रहा है और अब इस बार 4थी बार आपने नॉमिनेशन करवाया है, जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 10 वर्ष हमारे महान जनता ने हमारी पत्नी को मुखिया बनाई, उसके बाद 10 साल जनता के लिए सेवक बन करके मेरी पत्नी काम की, उसके बाद 2016 में जनता ने मुझको ग्राम पंचायत काजीबारा का मुखिया बनाया। मैं महान जनता को शुक्रगुजार हूँ कि बार बार शायद मैं उस लायक हूँ, इसीलिए हमको चुन करके ग्राम पंचायत काजी बहरा का मुखिया बनाती है वहाँ की जनता। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है और जनता का यह आकांक्षाएँ भी हैं कि 2021 के चुनाव में भी मुझको मुखिया पद पर आसीन करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बेहतर उम्मीद के साथ बता पा रहे हैं कि जीत का हैट्रिक के बाद अब जीत का चौका लगाने की पूरी उम्मीद है, ये जनता से पूरी उम्मीद रख चुके हैं क्योंकि ये 4थी बार है और 4थी बार में भी इनसे पूरा पॉजिटिव तरीके से बता पा रहे हैं। और सबसे पहली बात यहाँ पर यह है, एक बड़ा सवाल ये है कि सर, आपके पीछे बहुत सारे कैंडिडेट जो वार्ड मेंबर के लिए भी आते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अभी आप बिल्कुल सिंगल और एक आध लोग हैं आपके साथ। हम अगले बार भी 2016 के चुनाव में भी मात्र 2 आदमी से आए थे, हम और मेरा एक प्रस्तावक, और आज भी मैं मात्र 2 ही आदमी से एक मोटरसाइकिल से घर से चला हूँ। मैं अपना उम्मीदवारी के लिए और मेरा एक प्रस्तावक था उसको पीछे बैठा करके आया हूँ और अपना मैं उम्मीदवारी जताया हूँ, आवेदन भरा हूँ, पर्चा भरा हूँ। विशेष गैदरिंग करने से क्या आवश्यकता है? और वैसे भी कोरोना काल का जो है सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं गैदरिंग नहीं फैलाना चाहता हूँ और ज़्यादा जनता को लाने से उनका जो है हरासमेंट होता है, जनता को परेशानी होती है, उस परेशानी को मैं नहीं रखना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं जनता की परेशानियों का पूरा ध्यान रखते हुए मुखिया जी अपने 2016 में भी इन्होंने बताया कि 2 ही लोग से आकर के नॉमिनेशन करवाए थे और 2021 और यहाँ भी 2 लोग से आए हैं नॉमिनेशन सिर्फ अपने प्रस्तावक को लेकर के, ये एक रिकॉर्ड रहा है। अब तक इसी प्रखंड में बहुत सारे लोग इतना गैदरिंग किए, बहुत सारे लोगों के साथ, समर्थकों के साथ आए, लेकिन ये केवल एक बाइक से 2 लोगों के साथ आए अपने प्रस्तावक के साथ और अपना नॉमिनेशन करवाया। एक बेहतर उम्मीद के साथ अंतिम संदेश आप पक्की खबर के माध्यम से क्या देना चाहेंगे अपनी जनता को? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि हमारे महान जनता जो ग्राम पंचायत काजी भरा के हैं, हमको इस पद पर सुशोभित करते हैं। और मैं अपनी ओर से यह कहना चाहता हूँ, मैं मुखिया पद के लिए नहीं पर्चा भरा हूँ, एक सेवक के रूप में ग्राम पंचायत काजी भरा के सेवक के रूप में अपना पर्चा भरा हूँ और सेवा करते आया हूँ। और निरंतर सेवा और पंचायत की व्यवस्था के लिए मैं किसी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहूँगा, हर प्रकार से जनता का साथ देने के लिए तैयार है। यहाँ पर हमारे साथ इनके 2 प्रस्तावक जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर है, इनसे जानना चाहेंगे क्या सुनना है? जावेद आलम। जावेद आलम जी, ये बताइए अपने मुखिया जी से क्या उम्मीद रखते हैं आप? 15 वर्षों से देख रहे हैं इनको, बहुत अच्छा काम किए हैं 15 वर्षों से, पंचायत को संभाल कर रखे हैं और फिर आगे भी यही उम्मीद रखते हैं कि संभाल कर रखे हैं। तो जीत का हैट्रिक जो है 3 बार तो लगते, जीत का हैट्रिक लग चुका है, क्या चौका लगेगा? इंशाल्लाह चौका भी लगेगा।
तो जीत का चौका का पूरा जो है कंफर्म बता रहे हैं जी, कंफर्म। देख रहे हैं आप जनता की उम्मीद जो है, और यहाँ पर एक और लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है? सीताराम पासवान। सीताराम पासवान जी, ये बताइए अपने मुखिया जी से इस बार आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि ये विकास की गंगा है। अब विकास तो काजी बहरा में जो नहीं होनी चाहिए वो है, सबसे ज्यादा विकास होता है। और इस बार भी करेंगे? इस बार भी करेंगे, चौथा बार जीतेंगे भी। 100% उम्मीद, यानी जीत का चौका लगेगा एकदम 100%। तो ये देख पा रहे एक अनुभवी है, वृद्ध व्यक्ति है, और अपने अनुभव का पूरा ज्ञान यहाँ पर उठाकर डाल दिए हैं। इनका भी उम्मीद है कि जीत का चौका लगेगा। इसी के साथ ग्राउंड जीरो से मैं फैजी, पक्की खबर बिहार से। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।